किसी को नहीं बुलाया होगा वहाँ, उन्हीं आदमों की माना था, उन्हीं आदमों को। लोग ये नहीं सोच रहे कि जो पार्टी हमारा काम कर रही थी उसके लिए हमें वोट देना चाहिए। चुनाव में टक्कर तो थी लेकिन बहुत अपेक्षा थी, वो मैंने कम वोटों से जीते हैं। कम वोटों से मंत्री जी इसलिए जीते हैं क्योंकि लोग जागरूक नहीं है और विकास करवाए हैं। सही बात तो जा है, कोई चीज पूछ नहीं भैया, ये सब वोटों में कमी आ गए। काफी उत्साह यहाँ लोगों में देखा जा रहा, किस तरीके से देखिए आज जमीन पर कितने फटाके फोड़े गए हैं मंत्री गोविंद सिंह के जीत के लिए। फटाकों के खाटी जो खाली खोके डले हैं वो बतला रहे हैं कि किस तरीके से कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है। और हम पूछ रहे हैं, मुन्ना पटेल जी हमसे पूछ रहे हैं, बताइए कितनी जीत कम क्यों हुई, आश्चर्य है और जीत का इसकी खुशी भी है कार्यकर्ता में, क्या कहना चाहेंगे आप? हमें इस चीज को अनुभव है आज के 20-30 साल पहले से कि 40-40% भाजपा और कांग्रेस रहती है और 10% जो रहते हैं वे 10 या 20% लोग यहाँ वहाँ निकल जाते हैं, तो भाजपा का 30% का नुकसान हुआ था। इसलिए महिलाओं ने 50% को भुगतान कर मंत्री जी को आपसे लाड़ी लक्ष्मी योजना की वजह से जीते हैं, मतलब लाड़ी लक्ष्मी योजना की वजह से जीते हैं। भाजपा के कुछ लोग तो बहुत ज़्यादा नाराज थे, जो कार्यकर्ता थे वे भी नाराज थे, जबकि ऐसा नहीं था कि मंत्री जी एक दूसरे की ना सुने, वे सभी लोगों की सुनते हैं। मानो अखबारें कांग्रेस वालों ने इतनी अखबारें बढ़ा दी थी कि एक दूसरे सुना था, पहले पुराने कार्यकर्ता असंतुष्ट थे, पर क्या हुआ? फिर उनके लाने समझौता कर लिया, ठीक ठाक हो गए, सारी चीजें हो गई और सुचारू रूप से काम करने लगे और हम लोगों ने सभी ने इकट्ठे करके चलिए एक बार कार्यकर्ता हूँ तो पूछते हैं, बताए कमलेश पांडे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हम छोड़ा ले रहे और लड्डू खिला रहे हैं सभी को, हम बात करते हैं, कितनी अपेक्षा थी आपको? अरे बहुत अपेक्षा, लगभग चुनाव में टक्कर तो थी लेकिन बहुत अपेक्षा थी, वो मैंने कम वोटों से जीते हैं 3,500 से, उनने जितना विकास किया है उस हिसाब से कम वोटों से जीते। क्या कारण रहा, क्या क्यों इतने कम जीते? हम जनता समझदार नहीं, आप जाइए कब जाइए और अपन का कहती है और अच्छा है, लेकिन बहकावे में आगा होगी को, लेकिन सब लोग अच्छे हैं और मंत्री जी सबको लेके चले थे, बहुत अच्छे हैं इसलिए वो जीते। लाडली लक्ष्मी योजना का लाभ मिला, लाडली बहना काम कर गई, लाडली बहना काम कर गई जिससे यह जीत हुई, जिससे कांग्रेस ने जबरदस्त लुभा लिया, ये भी बात है। अरे नहीं 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 कुछ नहीं यार, मतलब टक्कर रही, नहीं नहीं चलिए चलिए हम उन लोगों से भी बात करेंगे, आगे फूल जा रहे हैं, आप लोग बताएं क्या है, कैसा लगा है आपको जीत से? बहुत अच्छा, मंत्री के साथ हैं, गरीबों का साथ देते हैं, कुछ फायदा हुआ और अब क्या उम्मीद है, कौन सा फायदा होगा? फायदा होगा, मंत्री कराएंगे अब आप पेशा क्या, कौन से काम रह गए थे, कौन सा काम होना है? जो भी होंगे मंत्री जी करवाएंगे, बाकी अभी कुछ रह गया था? नहीं नहीं, जो भी होंगे मंत्री जी करवाएंगे, अपने मंत्री जी करवाएंगे। तो अभी आखिरी समय तक क्या लग रहा था, धड़कने रुकी हुई थी कि मंत्री जी का रिजल्ट नहीं आ रहा है, क्या कम वोटों से जीत रहा है? बताएं आपका नाम, बताएं। लखन चौधरी सिंह। हाँ, तो क्या था, लग रहा था कि कम वोटों से? पूरी गरीब जनता परेशान होने जा रही थी कि अगर मंत्री जी हार रहे हैं तो सुर्खी की कोई विकास नहीं होगा, पूरे विकास, अच्छा विकास सरकार बन रही थी लेकिन मंत्री हारते तो विकास रुक जाता, ये कहना चाहते। चलिए पार्षद प्रतिनिधि भी हैं, हम उनसे भी बात करते हैं, बताइए आपने कैसा प्रयास किया और क्या परिणाम निकल गया है, कितनी उम्मीद थी? परिणाम को जीत की उम्मीद तो हमको 100% थी, लेकिन जितने की उम्मीद थी उतने से नहीं जीत पाए। कितने की उम्मीद थी आपको, कितनी? तो हमें लगा थे 35-40 हज़ार से मंत्री जी जीतेंगे, क्योंकि मंत्री जी ने इतने काम करवाए हैं तो उनको काम के आधार पर अगर वोट तो जीते 40-50 हज़ार वोट से जीतना था। जब विकास हुआ है तो इतने कम मतों से क्यों जीते, अब सवाल ये उठेगा, इस पर भी प्रश्न चिन्ह लग रहा है। इतने कम वोटों से मंत्री जी इसलिए जीते हैं क्योंकि लोग जागरूक नहीं है, लोग ये नहीं सोच रहे कि जिस जो पार्टी हमारा काम कर रही थी उसके लिए हमें वोट देना चाहिए, लोग बहकावे में आके दूसरी जगह वोट दे। अच्छा, बहकावे आए हैं तो उन्होंने वोट दिया। और यहाँ लाड़ी लक्ष्मी का जादू भी चला है, लाड़ी लक्ष्मी चला है और मंत्री जी के तो चेहरे पे लोग वोट देते हैं। तो मंत्री जी से नाराज थे कार्यकर्ता, या कार्यकर्ताओं से थे, या सरकार से थे, किससे थे असंतुष्ट? सरकार से असंतुष्ट तो नहीं है, सरकार से कोई असंतुष्ट नहीं है, लेकिन वो मेन बात यह है कि लोग बहकावे में आ गए कांग्रेस के चक्कर में, लेकिन हमें ये मालूम था कि मंत्री जी जीतेंगे, चाहे कितनी भी वोट से जीत लेंगे, जीते उम्मीद थी। चलिए आपके आप आपको बाढ़ में भी काम कराना है और सभी जय गोविंद। चलिए चलिए हम और लोगों से भी पूछते हैं, चलिए बताएं क्या है, आप बताना चाहते, बताइए आप। चलिए मैं राकेश पटेल सुर्खी से बोला हूँ, 245 नंबर से, महामंत्री राकेश पटेल। और हमें बड़ी उम्मीद के साथ, मैं सोच बहुत उम्मीद थी कि हमारे मंत्री जी चुनाव जीतेंगे, 100% मुझे विश्वास था। और मैं हमारे सभी
समाज का और हमारे सभी मित्रों का हमारा सहयोग था कि हम लोग चुनाव 100% हम मंत्री जी के लिए जिता कर ले आएंगे और मध्य प्रदेश में सरकारी बना गए। पहली मुख्यमंत्री तो हम बहुत ही अच्छे लगते हैं कि शिवराज सिंह चौहान, इनसे अच्छा मुख्यमंत्री तो कोई है ही नहीं आ गई और लाड़ी बहना ने भी बहुत साथ दिया है। कांटे की टक्कर रही, ये भी बात सही है। कांटे की टक्कर इसलिए रही है कि देखो थोड़ी बदलाव भी चाह रहे थे आदमी, मगर ऐसा नहीं होना होगा और हम लोग तो मंत्री जी के लिए चाहते थे कि मंत्री जी चुनाव जीते बस। चलिए वाल लोग भी हैं, अमन से ही बात करते हैं। चलिए बताएं, आप एजेंट भी बने थे, आपने चुनाव भी देखा है शुरू से आखिर तक, क्या आप नाम परिचय बताएं अपना? मेरा नाम लखनलाल अहरवाल है, मैं सुरखी का रहने वाला हूं और गोविंद राजपूत की बहुत ही से बहुत बड़ी जीत पे बधाई और हम सबका सहयोग विकास के नाम पे सुरखी में वोट दी आदमों ने। तो वोट कटी क्यों है, क्यों कम वोट मिली? उनके कार्यकर्ताओं के अनुसार कटी हैं वोटें, जितनी भारतीय जनता पार्टी जितने कार्यकर्ता है तो पूर्व को वो नाराज आता पूर्व। हाँ, हाँ। पुराने कार्यकर्ता कोई बैठक भी तो हुई थी पर क्या संतोष किसी को नहीं बुला होगा वहाँ बैठक में, किसी को नहीं बुला होगा पुराने कार्यकर्ताओं जिसके उनके संग आए थे, उन्हें आदमों की माना था, उन्हें आदमों को क्या कहना चाहते भाजपा के पुराने कार्यकर्ता असंतुष्ट थे, आप क्या कहना चाहते? कोई गिनती नहीं पुराने कार्यकर्ताओं, इसी वजह से कम इतनी हार हुई है, मतलब इतने कम वोटों से जीते हैं, यही से कम वोटों से हम जीत पा रहे। चलिए आप बताएंगे कुछ। हाँ भैया, हम पूरे लाल बोल रहे हैं, हम आए थे सुर्खी से जीत के, हमें हाल फूल है भैया और खूब विकास करवाए हैं, लेकिन सही बात तो जा है कि पुराना कोई चीज पूछ नहीं भैया, ये सब वोटों में कमी आ गई, वास्तव में इतनी लड़ी थी हम और जीत जाए तो हम लोग याद रख रहे भगवान ने। पुराने बीजेपी के कार्यकर्ताओं की उपेक्षा हुई है, इसलिए कम जीत हुई है। आओ और एक विधानसभा में कई नाराज होकर जातिवाद पर पूरे कट रहे थे, जातिवाद पर कटने से कम में जीत भाई, अगर जातिवाद न हो तो ज्यादा से ज्यादा में जीतते। कितनी उम्मीद थी आपको, कितनी वोटों से जीतना चाहिए? हमें तो हमारे वार्ड की पता चला डाक नंबर भी जब पूरे हरिजन बीजेपी के हैं और बीजेपी को वोट गई है, आखिरी बात तो यही है खूब विकास करो, हमारे घर घर विकास करो और जो मजदूर रहेगा उसको खा रहेंगे। चलिए अभी बता रहे थे लोग पुराने कार्यकर्ताओं की अपेक्षा हुई है इसलिए वोट कम मिली है मंत्री को, लेकिन जीते हैं उसकी खुशी अलग दिख रही है। यहाँ देख लें आप नजारा, देखें पहले ही से जान रहे थे जीत तो हुचे ही, भले ही बस इतनी कम नहीं थी, कितने कम। हाँ जीत तो आधा वो नहीं थी। चलिए वाल लोग भी यहाँ बड़ी खुशी है उनके लिए। चलिए कार्यकर्ताओं में मंत्री जी हमारी ओर से आपको नमस्कार। मैंने तो आपके चुनाव के पहले हमारी सीढ़ी भी बनी है, पहले भी आपकी मीडिया ने हमारा लिखा था रमू अहरवाल के नाम से, गोविंद भैया ने हमारे अच्छे अच्छे काम किए हैं, रोड भी बनवाए, नल भी बनवाए, तो हमारी तो सीढ़ी भी निकली और आशाएं लगी थी, वो आशाएं पूरी हो गई। आगे बेगन साहब आप जाने हमारे तो इसी के साथ नमस्कार जय हो। चलिए और लोग भी हैं, बहुत अच्छो मंत्री के साथ हैं, गरीबों साथ देते हैं, क्या फायदा हुआ और अब क्या उम्मीद है, कौन सा फायदा और होगा? फायदा होगा अब अपेक्षा क्या, कौन से काम रह गए थे, अब कौन सा काम होना है बाकी? नहीं जो भी होगे मंत्री जी करवाएंगे। हाँ बाकी अभी कुछ रह गया था? नहीं जो भी होगे मंत्री जी करवाएंगे।